ये है ऑटोमेटिक चेंज ओवर ओवर स्विच, और ये जनरेटर और लाइट की कनेक्शन को आपस में चेंज करता है। जब लाइट चल रही हो और जनरेटर चलाना हो तब ये काम करता है। इसके हम कनेक्शन आपको बताएं किस तरीके से होते हैं। ये एक रिले है और एक ये इसके साथ लगा हुआ है 12012, और ये दो पॉइंट जो हैं मेन लाइट के हैं ऊपर वाले, यहाँ मेन निकलेगा, ये जो दो तारे हैं यहाँ मेन लाइट की जो तारे हैं वो लगेंगी, और ये जो दो तारे हैं ये लोड हैं, यहाँ लोड चलेगा, ये सबसे किनारे की तरफ रहेंगी, और ये नीचे वाले जो पॉइंट होते हैं वो जनरेटर के होते हैं, और इसके कनेक्शन ये जनरेटर वाले पॉइंट पे होंगे, और इसके डीसी वाला जो कनेक्शन होगा वो कॉइल के रिले की कॉइल के कनेक्शनों पर होंगे। लेकिन इसके लिए एक रेक्टिफायर हमें बनाना होगा डाईवुड का, जिसका प्लस माइनस हमें इस कॉइल के साथ लगाएंगे, और ये इंडिकेटर लाइट वाले के साथ ऊपर लाइट वाला लगा देंगे और जनरेटर वाले के साथ जनरेटर वाला लगा देंगे। यहाँ लाइट का कनेक्शन आएगा हमें लाल वाला लगा देंगे, और नीचे जनरेटर का कनेक्शन आएगा यहाँ पर, तो ये हम यहाँ पर ये ग्रीन इंडिकेटर लगा देंगे, और जो कॉइल के कनेक्शन होंगे वो हम थोड़ा सा आपको बता दें किस तरीके से होंगे। इसमें रेक्टिफायर जो लगेगा ये देखिए, ये होता है लोड सबसे किनारे पर, और उसके बाद ये दो तारे होंगी मेन की लाइट की, और ये दो तारे यहाँ पे कनेक्शन करेंगे हम जनरेटर की तार के। ये देखिए हमने इंडिकेटर के कनेक्शन भी कर दिए हैं इसमें, और लाल वाली ऊपर के पॉइंटों पे दोनों पे लगा दिया है, और देखिए रेक्टिफायर के जो कनेक्शन होंगे वो इस तरीके से होंगे। देखिए चार डायोड हैं छोटे वाले, माइनस वाला सिरा हमने वहाँ लगा दिया है कॉइल के एक सिरे पे, और प्लस वाले का पॉइंट उठा के हमने कॉइल के दूसरे सिरे पर लगा दिया है, और ये दो इंडिकेटर हैं, ग्रीन वाला जनरेटर के लिए होगा और मेन वाला रेड है। देखिए ये कनेक्शन इस तरीके से हो जाएंगे, जनरेटर मेन लो।